तो मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, ऐसा एक पाकिस्तानी फौजी है, मेजर है, उसका नाम नहीं लूंगा, और कहते हैं लंदन में है। तो उसका एक बड़ा पाकिस्तानी मीडिया में, सोशल मीडिया में बड़ी हड़कंप है। उसने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं उस पाकिस्तानी मेजर ने। क्या? अच्छा, वो और ये बोल रहा है कि साहब ये जो बाजवा है और जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद, इनका बड़ा अफेयर चला है कोई फिल्म एक्ट्रेस से, और उसने कुछ इनिशियल्स भी बताए हैं अपने वीडियो में। मैं वो वीडियो नहीं डालूंगा, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा यार। मैं एक बात, ये देखो, या तो वो पाकिस्तानी मेजर, आप लोग खुद जाके इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं उसने क्या बोला है, कैसे बोला है, बात वो नहीं है। और मैं ना तो कह रहा हूं कि उसके इल्जाम ठीक हैं या गलत हैं, क्योंकि दोनों चीजों के लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, और मैं कोशिश करता हूं कि बिना प्रूफ के मैं कुछ ना बोलूं। पर ये तो जो उस पाकिस्तानी मेजर ने जो बोला है अपने खुद के फॉर्मर आर्मी चीफ और फॉर्मर डीजी आईएसआई के लिए, और ये मेजर मैं कह दूं कि ये पीटीआई का सपोर्टर है, ही सपोर्ट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की बड़ी कस्में हैं इनकी, जो मुझे लोगों ने बताया, मैं नहीं जानता था इनको, पर मुझे फिर पाकिस्तानियों ने बताया कि ऐसा ऐसा है, इनका ये बैकग्राउंड है और फॉर्मली पाकिस्तान आर्मी में थे ये, और आर्मर्ड कोर से इनका ताल्लुक है, ऐसा बताया गया मुझे। बाकी मुझे इनके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ यार, 2023 में पाकिस्तानी अपने आप से एक बात दिल से अपने सोचें, जिसको कहते हैं ना अपने गरेबान में झांक कर। और ये मैं बात करना चाहता हूँ जितने भी पाकिस्तानी भाई बहन अगर ये वीडियो देख रहे हैं यार, वीडियो आ जाएंगे इसके, इसका ऑडियो है, औरतों की बेइज्जती करना, जो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है उसको गाली गलौज करना घेर के, और कोई पैसा लेके भाग रहा है, और करप्शन, देखिए पैसा लेके भागना, करप्शन हर जगह होता है, ऐसी बात नहीं कि इंडिया में करप्शन नहीं है या अमेरिका में करप्शन नहीं है, लेकिन जिस इंडस्ट्रियल स्केल में आप लोग गिद्ध की तरह और जैसे जो प्रेडेटरी एनिमल्स होते हैं उस तरीके से अपने खुद के मुल्क के जिस्म के जो आप मांस के लोथड़े निकाल रहे हैं, उसके बूटियां नोच रहे हैं। I want Pakistanis in 2023 to ask themselves a question. गरेबान में झांक कर, दिल पे हाथ रख के पूछिएगा अपने आप से, Do you really deserve a country? सही बात है, नहीं करते, deserve बिल्कुल नहीं करते। क्या आपको, आप लोग मुल्क के डिजर्व करते हैं? ये लोग यहाँ के नहीं करते। इस बार किसी ने मुझे भेजा व्हाट्सएप में, क्या मेजर साहब सिर्फ 23 साल बाकी रह गए हैं लीज खत्म होने के। अब पता नहीं लीज इनकी खत्म होती है कि नहीं, 99 साल की लीज होती है, कहते हैं साहब 23 साल बाकी हैं, लीज इनकी खत्म हो जाएगी पाकिस्तान की, पता नहीं, मुझे नहीं लगता। और ये जो भी हम लोग बात करते हैं ना, लोग बात करते हैं भारत में अखंड भारत की और ये सब, मैं कई बार पहले कह चुका हूँ, आज मैं दोबारा कहता हूँ, 3 तारीख है, आप नोट कर लीजिएगा तारीख, 3 जनवरी 2023 है आज, ये दोबारा से हमारे साथ मिल जाएंगे इंडिया के साथ। मुझे नहीं लगता कि वी वॉन्ट पाकिस्तान, सिर्फ जो एरिया अवैध कब्जा है पाकिस्तान का, गिलगित बल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके, जिसको पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, ये दो एरिया के अलावा मुझे नहीं लगता कि भारत को ऐसा कुछ करना भी चाहिए। इतना गंद हम लोग नहीं संभाल पाएंगे, कोई नहीं चाहता इसको लेना भी। मैं बता रहा हूँ आपकी इकोनॉमी अभी 5 ट्रिलियन की हमारी होने वाली है, हम दुनिया के नंबर 3 लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स विल बिकम द थर्ड यू नो बाई GDP द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर अमेरिका एंड चाइना। इवन देन यार, इवन देन आपकी मिलिट्री नंबर 1 हो जाए, आपकी इकोनॉमी नंबर 1 हो जाए, मैं कह रहा हूँ लेट इंडिया बिकम द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद द बेस्ट मिलिट्री, द बेस्ट मैन पावर, मोस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कुछ हो जाए, मैं कह रहा हूँ यार, नहीं, वी डोंट वॉन्ट। जस्ट इमेजिन यार, इफ यू हैव टू लुक आफ्टर लाहौर एंड इफ यू हैव टू लुक आफ्टर इस्लामाबाद, इनकी तो भूख खत्म नहीं होती, ये जैसे लटेरे हैं, ये हिंदुस्तान को डुबा देंगे लोग। तो भाई मैं इस चीज में अग्री नहीं करता, आप जहां हो ठीक हो और जैसा हुआ ठीक हुआ, जो भी है, एंड आई एम हैप्पी विद द वे थिंग्स आर। एंड मेरा सिर्फ ये है कि 1994 रेजोल्यूशंस हैं जो पीओके के हैं और गिलगित बल्टिस्तान के, दैट्स इट, इसके अलावा नथिंग रिक्वायर्ड। अक्सर पाकिस्तानी मुझसे कहते हैं मेजर साहब आपकी नजर पूरे पाकिस्तान पर, भाई साहब नहीं, आप रखो यार, यू प्लीज कीप इट, वी डोंट वांट इट, इतना गंद हम लोग नहीं झेल पाएंगे, भारत में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतना गंद झेल लें। इनको वीडियो बनाने से ही फुर्सत नहीं है, ऑडियो से ही फुर्सत नहीं है, देश में आग लग रही है, किसी को फिक्र ही नहीं है यार, मुल्क हो ना हो सबको अपनी पड़ी हुई है। एज आई सेड इन 2023 आप सोचना, डू यू रियली डिजर्व अ कंट्री, मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों सोचना जरा इस बात। अब हम आते हैं
अपने नेक्स्ट उस पे। ये नेशनल सिक्योरिटी जो इनका जो कमेटी है पाकिस्तान की, जिसमें इनके आर्मी चीफ हैं, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर और भी लोग हैं, ये इन्होंने दो तीन चीजें कह दी जो मुझे बड़ी अजीब सी लगी। लतीफा होता है ना, जो जोक होता है, चुटकुला, ये चुटकुले सुनाते हैं बैठ के वहां पे। कहते हैं पाकिस्तान वॉन्ट लेट एनी वन फैसिलिटेट एंड शेल्टर टेररिस्ट। पाकिस्तान किसी को इजाजत नहीं देगा कि वो आतंकवादियों को किसी किस्म की उनको फैसिलिटेट करें, यानी कि उनको हथियार दें, ट्रेनिंग दें, पैसा दें, ना पाकिस्तान शेल्टर करने देगा टेररिस्ट। अब ये क्यों कॉमेडी है? ये इसलिए कॉमेडी है क्योंकि पाकिस्तान तो बाप है टेररिज्म का। आज पाकिस्तानियों का खून बह रहा है तो ये कह रहे हैं पाकिस्तान विल नॉट अलाउ एनीवन टू फैसिलिटेट एंड शेल्टर टेररिस्ट। हम किसी को नहीं इस्तेमाल करने देंगे आपकी जमीन। और तुमने तो पूरे पाकिस्तान को इस्तेमाल करा था एज अ लॉन्चिंग पैड अगेंस्ट इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज ऑन रिकॉर्ड, 42,000 भारतीय जाने, आज से दो तीन साल पहले का फिगर बता रहा हूं, 42,000 जाने चली गई थी इंडियंस की हमारी, और बिकॉज ऑफ टेररिज्म इन कश्मीर 42,000। ये प्राइम मिनिस्टर के फिगर्स हैं, ही सेड दैट इन पार्लियामेंट एज वेल। और ये लोग अब बोल रहे हैं कि साहब हम किसी को अलाउ नहीं, क्योंकि जब इन्हीं का पाला हुआ सांप, और सांप सिर्फ ये हाफिज सईद और मसूद अजहर ये सब नहीं है, सांप मैं एक कॉन्सेप्ट को कह रहा हूं, एक आइडियोलॉजी को कह रहा हूं। इन्होंने रिलीजन को, इन्होंने इस्लाम को वेपनाइज करा पैसा लेके पाकिस्तानियों ने। मैं बार बार कहता हूं, सबसे बड़े, अगर मैं बता रहा हूं और ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान का जो अशराफिया है, मैं कॉमन मैन की बात नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान का अशराफिया है ना, वो इस्लाम के सबसे बड़े गद्दार हैं। इस्लाम की 1400 साल तारीख में पाकिस्तान का अशराफिया इस्लाम के सबसे बड़े गद्दार हैं। द काइंड ऑफ डिसर्विस दैट दे हैव डन टू द रिलीजन, मैं बता रहा हूं, अगर कोई भी बुरा सोचता है इस्लाम के बारे में, कोई भी जिसने नहीं पढ़ा इस्लाम के बारे में, जिसने कुरान नहीं पढ़ी, जिसको नॉलेज नहीं है, इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द एंटिक्स ऑफ द पाकिस्तानी एलीट। इन्होंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े कांड कर रखे हैं, इन्होंने ये ऐसे ऐसी चीजें करते हैं। अब ये पाकिस्तान कह रहा है कि हम किसी को ना इस्तेमाल नहीं होने देंगे, कोई अपनी जमीन हमारे खिलाफ अटैक करे। अच्छा बेटा, तुम्हारा हाफिज सईद पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करके, पीओके इस्तेमाल करके वो इंडिया में अटैक करे, वो अच्छा आदमी है, वो हीरो है। मुशर्रफ कहता है ये हमारी कौम का हीरो है, और अब तुम्हें दुम्बे की तरह सूत रहा है टीटीपी, ठीक है, तुम्हारी खाल उधेड़ रहा है हर रोज एक एक करके छील के, जैसे आलू पीलर नहीं होता, जो आलू, जिसको आलू छीलते हैं, जिससे उस पीलर की तरह इनकी पीठ की खाल निकाल रहा है, तब इनको बुरा लग रहा है, तब ये बड़े बड़े डायलॉग मार रहा है कि हम ये कभी कबूल नहीं करेंगे। मत करो कबूल यार, टीटीपी पूछ रहा है तुमसे कि तुम कबूल करते हो कि नहीं करते। अब मैं आपको दूसरी खबर पर ले जाता हूं दोस्तों, ये देखिए, राणा सनाउल्लाह पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर, वो मीटिंग से निकला फ्रेश, इसी मीटिंग से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, वो आर्मी चीफ बैठा था, इसको भी जोश आ गया फौजियों को वर्दी में देख के। इसने बोला कि हमारे भाई हैं अफगान, पहले हम उनको प्यार से समझाएंगे, और अगर नहीं समझे तो फिर हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे। तो एक तो तालिबान के दो बयान आए, एक तो तालिबान ने बोला यार तुम ये ना बच्चों वाली बातें मत करो। तो तालिबान को तो यह लगता है ना कि हमने रूस को निपटा दिया, हमने हमने अमरीका को निपटा दिया, ये पाकिस्तान कौन सी खेत की मूली है, दो कौड़ी का बगल में, वो भी न्यूक्लियर पावर थे, वो भी सुपर पावर थे, उनके पास भी अरबों डॉलर, तो फुकरा है, ये तो जेब फटी है पाकिस्तान की। तो वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। एक पाकिस्तानी ने ये देखिए, उन्होंने ट्वीट करा, और ये ट्वीट देखिए सामने, ये ट्वीट जो है इसमें 16 दिसंबर 1971 की सरेंडर की फोटो उन्होंने ट्वीट करी, और तालिबान का यह कहना है कि बेटा जैसे इंडिया ने तुम्हें 16 दिसंबर 1971 को जलील करा था, अगर तुमने तालिबान से, अफगानिस्तान से लड़ने की हिमाकत करी, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याली पुलाव तुमने बनाए, तो बेटा ये सरेंडर दोबारा रिपीट होगा, पर इस बार वहां पे इंडियन नहीं, वहां पे अफगान बैठा होगा, हिंदुस्तानी तुम्हें जलील कर चुके हैं, अब हमारी बारी है, हम लाइन में खड़ा है, अब हम तुम्हें जलील करेंगे, तुम आके दिखाओ एक बार अंदर। तो ये गीदड़ भक्कियां हैं। देखिए मैं आपको अपना एनालिसिस दे दूं, पाकिस्तान तैयार है, हम अपने फाइटर जेट भेजेंगे और हम अफगानिस्तान के अंदर टारगेट्स को मारेंगे। देखिए बात यह है ना कि जब एक पूरी पॉपुलेशन आपके खिलाफ है, आप क्या कर लोगे? मैं बता रहा हूं ये लोग क्या करेंगे। इनके जो लोग हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के,
और अफगान तालिबान की, इनके लोग तो कराची में बैठे हैं, इनके लोग पेशावर में बैठे हैं, क्वेटा में बैठे हैं, इनके लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं। इस्लामाबाद में सड़कों पर जितना भी रेडियो का काम है, आपको आधे तो पठान मिलेंगे। आपको क्या, मैं सारे पठानों को नहीं बोल रहा, लेकिन उसमें कई कई हैं जो टीटीपी के सिंपथाइजर्स हैं, क्योंकि टीटीपी इज प्योर पश्तून, पश्तूनी तो है उसमें, देवबंदी पश्तून टीटीपी में, और ये सारे के सारे वहां पे हैं। आप अफगानिस्तान के अंदर अटैक करेंगे, पाकिस्तान का हलवा बना देंगे वो लोग अंदर से। हाँ ठीक है, आपके पास F-16 जेट्स हैं, और ये जो पाकिस्तान कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको याद है कुछ समय पहले अमेरिका ने $450 मिलियन दिए थे F-16 ठीक कराने के लिए, आपको याद होगा, हमने कवर करी थी न्यूज, 400 या 450 कुछ ऐसी मिलियन डॉलर्स अमेरिका ने दिए थे पाकिस्तान को कि तुम जो तुम्हारा F-16 का जो फ्लीट है वो उसको तुम ठीक करा लो, उसको उसमें कुछ पुर्जे भी उनको दिए, स्पेयर पार्ट्स दिए, इक्विपमेंट वगैरह जो भी है, राइट। और उस समय भी मैंने बोला था, मैंने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स भी थे उनके पास भी मैंने बात करी थी, और मैंने यहां पे भी आपको यही बात बताई थी कि इनका एम यही है पाकिस्तानियों का, इन्होंने अमेरिकन से पैसे ले लिए हैं, अभी अफगानिस्तान में बमबारी करेंगे। बहाना किसका होगा? बहाना यह है कि टीटीपी हमें अटैक कर रहा है, जबकि उसका नाम क्या है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान उनका नाम है, यानी कि वो खुद कह रहे हैं पाकिस्तानी हैं, वो खुद मुंह से कह चुके हैं यार हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, हमारा अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं। हो सकता है उनकी शादियां हों वहां पे, क्योंकि ऐसे सिर्फ टीटीपी वाले नहीं, ये बड़ा कॉमन है पश्तूनों में कि उनकी वहां पे भी शादियां हैं, और मतलब वहां पे भी रिश्तेदार हैं, यहां पे भी रिश्तेदार हैं, दैट इज हाईली पॉसिबल। लेकिन अफगान सरकार जो है तालिबान की, वो भी मना कर चुकी है कि हमारा टीटीपी से ऐसा कोई लेना देना नहीं, हम उनको नहीं कहते तुम दहशतगर्दी करो। और ये लोग, ये जो पाकिस्तान कर रहा है ना, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि सेम चीज होगी, ये नहीं है सिर्फ कि कुछ मतलब जंग होगी और ऐसे होगा, ये सिर्फ नहीं होगा, फिर इनके मुल्क का एक हिस्सा भी इनसे अलग हो जाएगा। और उसके अलावा मिर्चो साहब ने इतनी इंसल्ट, मतलब सीरियसली आज इतनी ज्यादा इंसल्ट की है, बोला है कि पाकिस्तान को वो लेना ही नहीं चाहते, हम लोग संभाल नहीं सकते, हमारा मुझे पीके का एरिया है, बंदा नहीं लेना चाहता इस गंध को ना, हर बंदा अपने कंट्री से निकाल है। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।